नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सुंदर रसोई में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल न भूलें। आइए अब चावल को फ्राई करते हैं। ये हमारा रात का बचा हुआ चावल है, इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे और ये नाश्ता बन जाएगा। अगर आप इस तरह से फ्राई करेंगे तो आपके बच्चे बड़े सभी आसानी से खा लेंगे और यह आप खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। चावल फ्राई करने के लिए हमने जीरा लिया है, अब इसमें हम जीरा डाल देते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है और कटा हुआ हरा मिर्च डाल देते हैं। और कटी हुई प्याज डाल देते हैं। और इसे अब हम अच्छे से भून लेंगे। इसमें थोड़ी सी हींग डाल देते हैं। देखिए, अब हमारा प्याज अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। अब इसमें चावल को हम मिक्स कर लेंगे। इसे हम 5 मिनट तक चलाते रहेंगे जिससे हमारे चावल अच्छे से मिक्स हो जाएं। देखिए, अब हमारे चावल अच्छे से भुन गए हैं। अब इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। अब ये खाने के लिए रेडी हो गए हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं मेरी वीडियो कैसी लगी।